अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले साल भी हम लोग गणपति बैठाएंगे। प्लीज आ जाओ बच्चा। कितना बड़ा ओकेजन है सिमरन। I just knew it. Astha. Astha, I'm so proud of you. Welcome home, Astha. तुम ही तो लाती थी हर साल पापा को। आज तुम साथ में नहीं थी तो मैडम के कदम नहीं उठ रहे थे पापा को लाने के लिए। हाँ, मेरी जिद की वजह से ही गणपति जी को इस घर में लाया गया था। करे मनुंतर बाई लेके आई आज गणपति पापा को। लेकिन आगे से गणपति जी को लाना है या नहीं लाना ये अब आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। मैं किरण को बता कर नहीं आई थी। She must be looking for me. सुन, तो वहाँ पे वापस नहीं जाओगे बेटा? बेटा, तुम्हारे पापा ही तुम्हें घर वापस लाए। Now we will all stay together, बेटा। No way. अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। बेबी, आस्था, जबरदस्ती मत करो जाने दो उसे। अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो उसकी मर्जी है। अगर हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति आज के दिन इसको यहाँ लेकर आ सकती तो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी में कभी ना कभी ये जरूर वापस आएगी। तुमने आस्था को जाने क्यों दिया? वो लोग उसे वापस लौटने नहीं देंगे। हम कैसे मना कर सकते थे? उके हाथ पैर तो नहीं बांध सकते थे ना। तो फिर तब क्यों नहीं बताया? अक्कल ये तुम्हें? वैसे तो बहुत बड़बड़ करती रहती हो, बात बात में सवाल जवाब, लेकिन अब जब जरूरी है तो बताया नहीं मैडम जी। वो अपने माँ बाप से मिलने जा रही थी तो हम क्या कह सकते थे? हम तो मना करने की सोच भी नहीं सकते, फिर हमें क्या पड़ी है? Stop it, you idiot. वैसे तो कान लगा कर सारी बातें सुनती रहती हो, और जब कोई मेहमान घर पे आ जाए तो चार कान हो जाते हैं तुम्हारे। लो, करे कोई और भरे कोई। अब वो अपन घर गई है तो आपको क्या परेशानी? जाकर काम कर अपना। Just get lost. हेलो, आ गई आपकी आस्था। आस्था, where were you sweetheart? फोन भी ऑफ था तुम्हारा। आप यहां नहीं थी तो मैं हीरा भाई को बताकर गई थी। ऐसे कैसे कर दिया तुमने? अकेली चली गई वहां पर, इतना बड़ा रिस्क ले लिया। वो लोग तुम्हें फिर से रूम में बंद कर देते तो, तुम्हें किडनैप कर मुझ पर इल्जाम लगाते तो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी छोटी सी गलती हमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती थी? लेकिन उन्होंने मुझे एक बार रोका भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें मेरा और पुलिस का डर है, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। इट्स ओके स्वीटहार्ट। अच्छा ये बताओ, वहाँ पर क्या हुआ? कुछ नहीं, पापा की पूजा हुई। सब लोग समझ रहे थे कि मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने सबको कह दिया कि मैं यहाँ आखिरी बार आई हूँ। रियली? तुमने ये सब उनके मुंह पर कहा? You're so gutsy. Good. लेकिन आइंदा से तुम ऐसा कुछ नहीं करो। जी पापा, आज तो क्या आते ही बात करवाती हूँ उसे। बाय। बार बार आज तो के बारे में पूछ रहे पापा, और क्या क्या छुपाऊंगी मैं उनसे। मम्मा, समझदारी इसी में है कि उनको सुकून से अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करने दें। हाँ, वो वापस आकर हमसे नाराज जरूर होंगे,
पर आई एम श्योर वी कैन हैंडल इट। और क्या पता उनके वापस लौटने से पहले ही आस्था घर वापस आ जाए। I don't know, I'm very confused. मम्मा, वहां जाकर उन्होंने हमारे लिए प्रे किया होगा। बिलीव मी, आस्था घर वापस जरूर आएगी। मम्मा, सिद्धांत कह रहा था क्या वो अकेले जाकर किरण से मिले? क्यों? नहीं, वो पुलिस के सामने तो आस्था को ले गई, बट व्हाट शी एक्चुअली वांट्स नो वन नोज, सो मे बी ही कैन। वो सिर को क्या बताएगी बेटा? कोई जरूरत नहीं वहां जाकर अपनी बेइज्जती कराने की। और उसे क्या लगता है बेटा कि वो उससे मिलेगी, उससे बात करेगी? ना वो मिलेगी और ना ही आस्था को मिलने देंगे, बल्कि वो खुश होगी कि हम लोग एक एक करके आके उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़ गिड़ा रहे। कोई जरूरत नहीं उससे मिलने की। सिद्ध से कह देना आज के दिन पापा कितना विश्वास था हमें। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस आशा, आज के शुभ दिन में तुम्हें ये शुभ समाचार देना चाहता हूं कि तुम्हें मेरी फिल्म में हीरोइन के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे विश्वनाथ जी। हाँ, वो विश्वनाथ जी जिनके साथ काम करने के लिए इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हीरोइनें तरसती हैं, उनके आगे पीछे चक्कर काटती हैं। उन्होंने तुम्हें देखते ही यहाँ कर दिया। लेकिन मेरा स्क्रीन टेस्ट तो हुआ ही नहीं था, पापा बीच में आ गए थे। आई एम सॉरी फॉर दैट इंसिडेंट, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अब ये सब भूल जाओ, नाउ यू आर इंडिपेंडेंट। किरण जी को थैंक यू करो और देखो अब तुम्हारे सपनों को पूरा होने से पहले कोई तुम्हें खींच के नहीं ले जा सकता। या आई नो। आस्था, मैंने हीरा को चाय के लिए कहा था, जरा जाकर देखना तो। जी। बहुत होगी तारीफ, अब जरा काम की बात करें। हमसे तो सब्र रखने के लिए कहती हैं और खुद, खैर आज आपका काम भी करूंगा, आपने हमारा इतना बड़ा काम जो किया है। कितने हैं? पूरे 50,000। सिर्फ 50? अरे बाकी भी मिल जाएंगे, काम तो शुरू होने दो। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? चाय रखो और आस्था को भेजो। तो काम कब शुरू करना है? विश्वनाथ जी से पूछते ही बता देता हूँ। वैसे आप इस लड़की की ट्रेनिंग शुरू करा दीजिए, क्या खूबसूरत है, टैलेंटेड है, पर पॉलिश। आओ आस्था, बैठो। खन्ना जी ने अपने वादे के मुताबिक तुम्हें ये 20,000 साइनिंग अमाउंट दिया है। अभी तक तो शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी से ये पैसे क्यों? आस्था, ये कमिटमेंट के पैसे हैं कि तुम इनका प्रोजेक्ट करोगी, है ना? हाँ, वो तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन शूटिंग कब से स्टार्ट हो रही है? शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी आस्था, तुम ये पैसे तो रख लो। ना ना ना, मैं ये पैसे अपने पास नहीं रख सकती, आप ही संभाल कर रखिए ना। आस्था, ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। तो क्या हुआ, जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे ले लूंगी। As you wish.
आस्था बिटिया को बुलाएं का? अभी नहीं। मैंने पहले ही कहा था इस प्रोडक्ट के लिए आस्था ही बेस्ट मॉडल है। अ कंप्लीट न्यू फेस, लॉट ऑफ फ्रेशनेस इन हर। ओके, लेट्स गेट द कॉन्ट्रैक्ट साइंड, बाकी बातें भी कर लेते हैं। वेशी साइन आस्था कर देगी, लेकिन बात आप मुझसे कर लीजिए। उन्हें एक्सपोज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इट्स ओके, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ नया है ये सब। 20 साल पहले मैंने भी बोल्ड मॉडलिंग की थी फॉर अ ज्वेलरी आर्ट। वो आपने की थी, आस्था ने नहीं। आस्था भी करेगी। आस्था मुझ पर छोड़ दीजिए। वैसे अमाउंट कितना दे रहे हैं? 50,000। 20 साल पहले मैंने 50,000 लिया था। आई मीन साइनिंग अमाउंट। 1 lakh साइनिंग अमाउंट एंड 7 lakhs इज अ फी फॉर अ न्यूकमर, फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू फेस। ओके, पूरे पैसे आप मुझे देंगे और मैं आस्था को। ओके, ओके। हाय हाय, कांग्रेचुलेशंस आस्था फॉर योर फर्स्ट मॉडलिंग असाइनमेंट। ओह रियली, वाओ। लीजिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। लेकिन पहले मुझे पढ़ लेना चाहिए। आस्था जो बातें डिसाइड की थी वही लिखा है, साइन। ओके, ये रहा आपका 1 lakh का चेक। वाओ, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये सब आपकी वजह से हुआ है। You have the talent, sweetheart. You are beautiful and bold too. बाकी डिटेल्स पर बाद में बात कर लेंगे। ओके किरण, थैंक्स। बेस्ट ऑफ लक आस्था। थैंक यू। बाय। 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 So happy? I'm so happy. 1 lakh please, oh my God. ये तुम्हारा assignment है। I must tell you, आस्था। तुम बहुत लकी हो, वरना शुरू शुरू में तो मॉडल्स को फ्री में काम करना पड़ता है। ये सब आपकी हेल्प की वजह से हुआ है, नहीं तो कहाँ मॉडलिंग कहाँ पैसा। अगर घर में होती ना तो ये सुनना पड़ता क्या करूँ क्या ना करूँ। भूल जाओ वो सब, इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू नाउ। व्हाट अ बिगनिंग। अच्छा ये पैसा आप अपने अकाउंट में रखिए, मैं कहाँ रखूंगी। आस्था अब तो अपने पैसे संभाल कर रखना सीखो। सीख जाऊंगी ना जब काम करना शुरू करूंगी, पहले काम तो शुरू करूं। एज यू विश। वो जरूर लौटेगी। अभी सिमरन मत सोचो उसके बारे में। अभी मुझे पूरा भरोसा हो गया है, वो विसर्जन के लिए आई थी, उसे अपने घर की परंपरा की परवाह है। क्यों परेशान कर रही हो खुद को सोच सोच कर। सुनो आस्था के बारे में इतना मत सोचो, समझ लो कि वो तुम्हें छोड़कर नहीं गई है, वो बस गई है, गई है। आएगी तो आएगी, नहीं तो क्या करें। क्यों इमोशनल होकर उसको पकड़ के रखने की कोशिश मत करो सिमरन, कुछ हासिल नहीं होगा। अरे बच्चे जाते हैं ना हायर स्टडीज के लिए, वहां पे अकेले रहते हैं, काम करते हैं। समझ लो कि तुम्हारी बेटी हायर स्टडीज के लिए बाहर गई है, गई वो बाहर। इट्स नॉट द सेम थिंग अभी, तुम नहीं समझोगे। क्या नहीं समझूंगा मैं? मैं क्या नहीं समझूंगा सिमरन, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे होकर भी तुम्हारे अपने नहीं है, समझ लो इस बात को। ये मैं नहीं, खलील जिब्रान ने कहा है। सिमरन ये एक जिंदगी है जो कि हमारे जरिए यहां पर आती है अपना मकाम पाने के लिए। दे कम थ्रू अस बट नॉट फ्रॉम अस, वी कैन गिव देम लव बट नॉट आवर थॉट्स। प्यार आप जितना देना चाहे इनको दे, लेकिन इनकी अपनी सोच है, आप अपनी सोच इनके ऊपर नहीं मर सकते। सिमरन उनका अपना भविष्य है, अपनी सोच है उन सब लोगों की। आप उनके ऊपर जो है अपना किसी भी तरीके से वर्चस्व नहीं कायम कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल।
उनके शरीर को आप अपने घर में रख लीजिए, ठीक है, लेकिन उनकी आत्माओं को आप अपने घर में नहीं रख सकते, वो कहीं और के लिए बनी है। ये जिंदगी है सिमरन, ये चलती रहेगी, कुछ नहीं कर सकते इसका। ये हमारा हक क्या है, सही और गलत क्या है, इसके पछड़े में पड़ना ही क्यों है? क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज तो हम लोग भूल जाते हैं कि इनको अपने ही पांव पे चलना है, इनका अपना भविष्य है, किसी का भविष्य आप पकड़ के तो नहीं रख सकते। यू कैन डू दैट सिमरन। इन बच्चों के हिसाब से हम अपनी सोच बदल ले तो बदल ले, हमारे हिसाब से तो इनकी सोच बदलने वाली है नहीं। ऐसा होगा नहीं सिमरन। मत सोचो, सोचकर कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बहुत सालों बाद ही तड़प नजर आई है तुम्हारी आंखों में सिमरन। तब तुम्हारा प्यार मेरे पास था और आज तुम्हारी जिंदगी। मैं यहां अपनी बच्ची से मिलने आई हूं। आज तो जबरदस्ती से काम बनते नहीं, बिगड़ते हैं सिमरन। तुम पहले भी हार गई थी और आज भी। बच्चा बच्चा प्लीज घर चल, मैं तुझे घर ले जाने आई हूँ। तेरे बिना अब एक पल भी जीना मुश्किल है बेटा, प्लीज कम हो। आई यू मैड? आस्था यहाँ अपनी मर्जी से रह रही है। बच्चा तुम मुझसे नाराज है ना, मैं तुझे शिकायत का मौका नहीं दूंगी, फिर कभी मौका नहीं दूंगी बेटा, प्लीज कम हो। प्लीज बेटा, तू जो चाहेगी वही होगा। आस्था पुलिस में अपना स्टेटमेंट दे चुकी है, वो तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। विल यू जस्ट शट अप किरण, तुम होती कौन हो आस्था को अपने घर रखने वाली? और आप कौन होती? इसके आगे और कुछ मत बोल देना बेटा। दो दिन के अंदर तुम्हें यह औरत इतनी सगी लग रही है कि अपनी मां से पूछ रही हो कि वो कौन है। तुझे बात पता है बेटा, पैदा होते ही अनाथ हो गई थी तू, तेरी मां मर गई थी और तेरा बाप तुझे छोड़कर चला गया था, इसी औरत ने पाला और पोसा है तुझे। और तुझे शिकायत क्या है इससे? हाँ, यही किसने तुझे पाल पोस के बड़ा किया? प्लीज प्लीज आज तो घर चलना बेटा, घर पर बैठकर बातें करेंगे, प्लीज। स्टॉप इट, स्टॉप प्रेशराइजिंग हर, वरना मैं पुलिस को बुलाऊं। मैं खत्म कर दूंगा तुझे। मैं घर नहीं आऊंगी और ना ही मुझे आना है। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? चलो इधर। किरण तुम्हें क्या लगता है किसी के बच्चे को हत्याना इतना आसान होता है? मैं अपनी बच्ची को तुम्हारा शिकार कभी नहीं होने दूंगी, नेवर।